क्यों करता है, ये मुझसे बात क्यों नहीं करता है, ये भी तो कंपटीशन चलता है, कौन किसका दोस्त है। और कोई दूसरा चाहता है ये मेरा दोस्त हो जाए, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट हो रहा होता है, बहुत सारी चीजें चल रही होती है। लेकिन मेरा सिर्फ और एक ही कहना है कि जीवन में नेगेटिविटी मत लाइए, पॉजिटिव रहिए। अगर पॉजिटिव रहेंगे तो जीवन कामयाबी की तरफ बढ़ने लगेगा। एक मच्छर की और घटना बताया तुम, बहुत ही बढ़िया, ये मुझे क्रिएचर बहुत पसंद है, क्योंकि मच्छर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कमाल का है, पॉजिटिवनेस जगाने के लिए इससे बढ़िया क्रिएचर कोई नहीं। वो मच्छर यहां से उड़ा बाहर, खाली हो गया हॉल, खाली हो गया, उसने कहा चलिए बाहर चलते हैं, बाहर उड़ने दीजिए मुझे, बाहर उड़ने लगा। तो बाहर एक बड़ा पेड़ लगा हुआ है, आपने देखा होगा पेड़, आंधी आ गई एकदम से, और इतनी तेज आंधी, वो 100 से भी ज्यादा स्पीड की आंधी आ गई। सारे बच्चे भाग के क्लास में आ गए, हॉल में आ गए सारे, बोले यार इतनी आंधी है कौन जाएगा, सारे लोग आ गए। मच्छर माँ बाप भी आवाज दे रहे, बेटा वापस आओ, बेटा वापस आओ, आंधी आ गई। वो बेटा दौड़ गया, वो कहाँ रुकने वाला था, माँ बाप बेचारे डर के मारे अंदर आ गए बच्चों के साथ ही, और देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, आंधी चल रही जबरदस्त, उन्होंने देखा और पेड़ पे चिपक गया जाके, बोले हो गया, बड़ा पॉजिटिव बन रहा था, ये ताली बज रही थी, ये हो रहा था, अब क्या होगा, अब तो हो गया काम, अब तो कुछ रहने वाला ही नहीं, पेड़ में चिपक गया। खैर आंधी रुकी, जल्दी से उड़ के गए, देखे जाके बच्चे का क्या हाल, देखा तो वो छूट के वहां से उड़ने लगा, अरे ये तो जिंदा है, पूछा अरे बेटा ठीक हो, बोले हाँ मुझे क्या हुआ, एकदम ठीक हूँ, बोले नहीं इतनी तेज आंधी आई थी, बोले तभी तो मैं उड़ के भाग के आया था यहाँ, बोले कहाँ आए थे, हम तो सोचे तुम जाके चिपक गए पेड़ पे, बोले नहीं मैं दौड़ के इसलिए आया था कि इतनी तेज आंधी थी कि अगर इस पेड़ को किसी ने नहीं पकड़ा तो ये उखड़ ना जाए, इसलिए मैंने आगे पकड़ लिया था। ये पॉजिटिवनेस देखिए, कि मच्छर कह रहा है कि ये पेड़ ना उखड़ जाए, इसलिए मैंने पकड़ लिया उसको आगे। ये सकारात्मकता हमारे अंदर होनी चाहिए। बरेली में लोग कहते थे डॉक्टर साहब बैठे हैं, बड़े डॉक्टर लोग भी यहां मेयर रहे, कुछ हो ही नहीं सकता जी, बरेली में पॉलिटिक्स वाले तो कुछ कर ही नहीं सकते, बरेली का विकास हो ही नहीं सकता, बरेली का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, बरेली में तो ये बन गए वो बन गए, क्या किया बरेली के लिए। यही मैं सुनते सुनते मैं भी बरेली में जी रहा था, ये पॉलिटिकल लोग कुछ कर ही नहीं सकते, बरेली का विकास हो ही नहीं सकता। लेकिन 4.5 साल पहले जब आपने मुझे मेयर बनाया, जिन जिन लोगों ने मुझे वोट किया होगा वो दिल पर हाथ रख के कहेंगे, जब पूरे बरेली में घूमते हैं तो पता लगता है कि नहीं बरेली बदल गया कि नहीं बदल गया, बरेली में बदलाव आया कि नहीं आया। कहीं जाइए रोडें देखिए, यहीं से निकलते बाहर वाली ये रोड देखिए, डबल रोड, कभी सोचा था ऐसे हो सकती है, स्टेडियम रोड देखिए, लोग कहते हैं हाईवे बन गया अंदर। गांधी उद्यान में जाइए, डाइन गार्डन देखिए, शीशे का रेस्टोरेंट, कहां सोचते थे लोग बरेली में, भूल भुलैया अक्षर विहार, अब कहीं भी जाके देखिए आपको लगेगा बरेली बदल गया। मल्टी लेवल पार्किंग आसपास किसी जिले में है, बरेली में है, बरेली में 3-3 लग गई हैं। तो हो सब कुछ सकता है, हम पॉजिटिव हो, हम सोचने की शक्ति रखते हो, अगर हम सकारात्मक सोचने की शक्ति रखते हैं तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है और सब कुछ हो सकता है। लेकिन करना सोचिए, करने के लिए सोचिए, बहुत सारे स्ट्रगल जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं। लेकिन एक लाइन है मुझे, ऐसी लाइन क्या है, ये तो आपने सुना ही होगा, जब समस्या आती है तो उसका सॉल्यूशन भी आता है, तो समस्याओं का हल और मेहनत का फल जरूर मिलता है, चाहे देर लगता है, मिलता जरूर, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं मिलता। कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका हल ना हो, कोई समस्या दुनिया में, और ऐसा कोई काम नहीं अगर हमने मेहनत की हो तो उसका हमें फल ना मिले, निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन हमने वो सच्ची की हो। और आप लोगों को एक बात और कहना चाहता हूं, सारे स्टूडेंट्स के लिए खासतौर से, वैसे तो ये सभी के लिए है, क्योंकि बहुत सारे हमारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं, बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती हैं और हम डिसीजन नहीं ले पा रहे होते कि इसमें क्या करें। जैसे स्टूडेंट को ज़्यादा समझ में जल्दी से आ जाएगा, खासतौर से जो 11th 12th में होंगे,
कि किसी दूसरे स्टूडेंट अदर जेंडर के स्टूडेंट से, लड़के को लड़की से या लड़की को लड़के से बात करनी और समझ नहीं पा रहे हैं, वो भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, बोले हाँ हाँ मेरी एक्स थी कोई, अब मुझे नई कोई चाहिए या कुछ नया चाहिए, तो हम बात करना चाहते हैं एक दूसरे से लेकिन बात नहीं हो पा रही, तो क्या करते हैं? दोस्त को बोले यार तू कुछ तरह से मैसेज पहुंचा, बोले नहीं 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 वो सेक्शन अलग है, तो सेक्शन वाले को ढूंढेंगे, अब एक दिन लग रहा है, दो दिन लग रहे हैं, महीना लग रहा है, लेकिन रात को भी सोच रहे हैं क्या कैसे बात होगी, कल कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, महीनों गुजर रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, कितना टाइम वेस्ट किया। आप ईमानदारी से सोचिएगा कि ऐसी बातों पे हमने अब तक कितना समय बर्बाद किया। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, समय बहुत महत्वपूर्ण है, दुनिया में समय से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ना पैसा है ना कुछ और है, तो उस समय का ध्यान रखिए। अगर ऐसा कभी हो कि किसी से बात करने का मन है तो सीधे जाइए और बात कर लीजिए, या तो हाँ होगी या ना होगी, लेकिन हम खड़ी गए पेंडुलम नहीं बनेंगे, हमें नहीं बनना, हमें नहीं लटकना नहीं भटकना, हमें सीधा या तो कामयाब होना है या दूसरा रास्ता चुनने लगा है, लेकिन हमें भटकना नहीं है ना लटकना है, तब जिंदगी कामयाब होती है। ये मेरे टीचर ने मुझे बताया था, जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे बताया था कि ऐसे बहुत भटका आएंगे, तब आपको तय करना होगा कि आपको करना क्या है, तब आपको चुनना होगा रास्ता कैसा हमें चुनना है। और कोई कुछ कर देता है तो एक हम मन में बिठा लेते हैं, ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये पूछने की कोशिश नहीं करते कि उसने ये काम क्यों किया है, पूछ ले क्या पता किसी अच्छाई के लिए किया हो। तो एक छोटी सी स्टोरी सुना के बस मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक बार दो संत थे, दो संत गांव में रहते थे, शहर के पास में ही, वहां से रोज सुबह आते थे, भिक्षा लेने आते थे, भिक्षा लेते थे और शाम को अपना दोपहर तक लौट जाते थे आश्रम में, वहां और भी साधु संत रहते थे, उनके गुरुजी रहते थे, फिर खाना वगैरह बनता था, खाते थे सब लोग अपना और ध्यान ध्यान करते थे। तो एक दिन जब वापस लौट रहे थे दोनों संत, एक थोड़े तगड़े से थे एक थोड़े हल्के से थे, तो वहां देखा छोटी सी नदी थी, बारिश हुई होगी सुबह तो उसमें पानी आ गया, लेकिन पानी थोड़ा ही था, घुटने तक निकल सकता था आदमी आराम से। तो वहां उन्होंने देखा कि एक लड़की अच्छी सी सैंडल पहने हुए, जैसी बुलबुल जी ने पहनी हुई है आज, ऐसी सैंडल पहने हुए पार्टी के लिए तैयार, वो लहंगा महंगा पहन के, और वो इधर उधर घूम रही है। तो संत को समझ में आ गया, बोले इसका मतलब इसको पार करना है पानी, लेकिन इसकी ड्रेस इसकी सैंडल खराब ना हो जाए, ये सोच रही है मैं पार कैसे करूं, क्योंकि परेशान घूम रही है किनारे। तो जो ठीक तंदुरुस्त वाले संत थे उन्होंने पूछा कि क्या आपको ये पानी पार करना है, तो उसने कहा हाँ पार करना है, लेकिन मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी, मेरी सैंडल खराब हो जाएगी, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे, कोई यहाँ दिख ही नहीं रहा है। बोले कोई बात नहीं मैं आपको पार करा, तो उसने उसको गोदी में उठाया और खुद भी निकल गए, पार करा जाके छोड़ दिया। अब जो दूसरे संत थे वो तो छोड़ के चल, दूसरे संत बोले ये तुमने क्या किया, अरे पापी तूने लड़की को गोदी में उठा के पार करा था। तो उन्होंने कहा भाई उसकी समस्या थी, उसमें क्या दिक्कत है, मैंने उठा के उसको छोड़ दिया वहां पर। बोले नहीं नहीं तुम संत के लायक नहीं, तुम्हें तो आज मैं गुरुजी से शिकायत करूंगा, तुमने कहा कर देना। फिर आगे चले, अब आश्रम पास आ गया, बोले हाँ सुनो, बोले हाँ बताइए, बोले आश्रम आ गया, बोले हाँ आ गया, बोले अभी भी पैरों में पड़ के माफी मांग लो तो छोड़ सकता हूँ, गलती की है तुमने, लेकिन नहीं तो गुरुजी से आज तो काम तुम्हारा तमाम है। बोले नहीं ऐसी मैंने कोई गलती नहीं की, तुम कह देना कोई बात। बोले तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें माना कि मैं तुम्हारे साथ रोज जाता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगा। बोले तो कर देना, उसमें क्या दिक्कत है, जो चाहो कर देना। खैर वो चले गए, अब रात को भोजन हो गया, भोजन खाने लगे, बोले क्यों अभी भी समझेगे नहीं। बोले नहीं क्यों, कौन सी बात, बोले अरे कौन सी बात, अभी ये भूल गया मैं तुमसे क्या पूछ रहा। बोले हाँ मैं भूल गया, बताओ बताओ कौन सी। अरे बोले वही जो लड़की को उठाया था। बोले हाँ फिर क्या हुआ। बोले अच्छा कुछ हुआ ही नहीं। बोले गुरु जी से करे बात। बोले हाँ कर लीजिए। बोले अच्छा अभी समझ नहीं आ रही है। खैर खाना हो गया, सो गए, अगले दिन फिर उठे, फिर सुबह नाश्ते पर बैठे और तैयार हो रहे थे।
तो वो फिर बोले सर, बोले सुनो अभी तो रियलाइज हो गया होगा पूरी रात हो गई, अब तो माफी मांग लो। संत बोले किस बात की माफी? बोले अरे वो कल इतनी बड़ी घटना हो गई थी। बोले कौन सी घटना? बोले अरे तुम्हें फिर याद नहीं आ रहा? बोले नहीं मुझे तो कोई ऐसी घटना याद नहीं आ रही। बोले अरे तुम्हें हर चीज याद दिलानी पड़ेगी, वो तुमने नहीं किया था वो नदी पार करा रहे थे वहां लड़की को ऐसे गोदी में उठा के रखा? बोले हाँ 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 वो परेशान थी। और बोले हाँ, बोले वो घटना? बोले उसमें घटना क्या थी? बोले वाह तुम्हारे दिमाग में तो भूसा ही भरा हुआ है, तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आएगा कि तुमने कितनी बड़ा जो है सन्यासी हुए थे कितनी बड़ी गलती की है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। बोले यार एक बात बताओ, जो बलिष्ठ संत थे उन्होंने कहा कि वो लड़की कल वहां परेशान थी, मैंने उसको उठाया और पानी के बाद छोड़ दिया। बोले दोस्त मैं तो उसको वहीं छोड़ आया था, लेकिन उसको तूने अब तक अपने दिमाग में बसा रखा है तो भूसा तेरे दिमाग में भरा है या मेरे दिमाग में, एक तय कर। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम किसी के भाव को देख ही नहीं पाते किस भाव से उसने वो क्या काम किया है, और हम अपने मन में मनगढ़ंत बातें चलाते रहते हैं और चलाते रहते हैं, और उससे हम बाकी बातों को ना तो ध्यान उन बातों पे कर पाते हैं ना किसी और बारे में सोच पाते हैं, सिर्फ वही बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। और जब 24 घंटे अगर हमारे दिमाग में कोई एक ही बात चलती रहेगी तो हम कामयाबी की बात करेंगे क्या? हम आगे बढ़ने की बात करेंगे क्या? हम जीवन में सफल होने की बात करेंगे क्या? हम वो बात कर सकते हैं जो माँ बाप ने हमें सोच के यहाँ भेजा है कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा, पढ़ के कामयाब इंसान अपने जीवन में बनेगा, क्या इस तरह की बातें हम सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। तो मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि अगर ऐसी बात कभी देखें तो उसको ये ना सोचे, क्योंकि आपको पता नहीं है वो किस भावनाओं से वो बात हो रही होगी, क्या हो रहा हो, उसको दिमाग में मत बैठाइए। अपना लक्ष्य क्लियर रखिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए और उसी की तरफ आगे बढ़ते रहिए और जिंदगी में कामयाब हो जाइए। तो एक दो लाइनें आपके लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और जो जीवन में कामयाब होते हैं उन सब के लिए, कि ना देख पीछे मुड़ के, यानी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ना देख पीछे मुड़ के, तुझे मंजिल को पाना है और अपनी हस्ती को आफताब बनाना है, और ना भटकना राहों में किसी चांद को देखकर, ना भटकना राहों में किसी चांद को देखकर, क्योंकि तुझे सूरज मन आसमान में जगमगाना है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मैं सौरभ भाई से एक और निवेदन करूंगा कि अगली एक मुझे एक और मौका दें ऐसा कि जब मैं स्टूडेंट के साथ उनके बीच में बैठ के इंटरेक्शन कर सकूं, जिससे कि मैं फिर आपकी बातें मन की मैं भी जानूं और मैं अपने मन की बातें आपसे साझा कर सकूं। किसी दिन ऐसा एक प्रोग्राम करेंगे, व्हेन वी प्ले लॉट ऑफ गेम्स, हम गेम भी खेलेंगे, जिससे गेम खेलते खेलते हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे भी। समय आज कम है, लेकिन फिर किसी दिन जरूर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की पेशेंस के लिए थैंक यू।